नेक्स्ट इज एलएस ऑफ मेमेलियन टेस्टिस. टेस्टिस इज सराउंडेड बाय थ्री लेयर्स. आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनेलिस एंड देन नेक्स्ट लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड नेक्स्ट इज ट्यूनिका वेस्कुलोसा. ये तीनों लेयर क्या फॉर्म कर रही है? प्रोटेक्टिव कवरिंग. एंड द इनग्रोथ ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया डिवाइड द टेस्टिस इंटू कंपार्टमेंट एंड दीज कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लॉब्यूल. ईच टेस्टिस कंटेन 200 टू 300 टेस्टिकुलर लॉब्यूल. एनसीईआरटी में मेंशन किया है दैट ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल. ओके. एंड ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल कंटेन अ हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल. ओके. ये आप देख रहे हो, ये आगे डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिकुलर लॉब्यूल और कंपार्टमेंट, और लॉब्यूल और कंपार्टमेंट के अंदर क्या है? हाईली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कह रहे हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल. एंड ईच टेस्टिकुलर टिब्यूल कंटेन 1 to 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल. ये लिखा हो मैंने, ये कितने? 1 से लेके 3 तक सेमिनिफेरस टिब्यूल जो होंगे एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में प्रेजेंट हो सकते हैं. एंड सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर जो होगा स्पर्म फॉर्मेशन होनी है. ओके. तो एग्जैक्ट क्या, कहां पे स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है? सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है. एंड जो एंड है सेमिनिफेरस टिब्यूल का, ये कन्वर्ट करेगा और फॉर्म करेगा एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं? ट्यूबुलाई रेक्टी. ये आप देख रहे हो, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल क्या कर रहा है? एंड पे एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, जिसको हम ट्यूबुलाई रेक्टी कह रहे हैं. ये यहां पे लिखा हुआ है ट्यूबुलाई रेक्टी. क्लियर. अब ट्यूबुलाई रेक्टी ओपन करेगा वाइड इरेगुलर टिब्यूल्स में, जिसको हम क्या कह रहे हैं? रेटी टेस्टिस. ओके. किसमें? जो ट्यूबुलाई रेक्टी ओपन किया रेटी टेस्टिस में. रेटी टेस्टिस क्या है? वाइड इरेगुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है. एंड देन रेटी टेस्टिस के एंड से क्या अमर्ज हो रहा है? स्मॉल डक्टूल अमर्ज हो रहे हैं. वो जो हमारी लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उसको पीस करके, उसको क्रॉस करके कहां एंटर कर जाते हैं? एपिडिडाइमस में एंटर कर जाते हैं. तो इन स्मॉल डक्टूल्स को हम क्या कह रहे हैं? वासा इफ्रेंसिया. ये आप देख रहे हो, ये वाले डक्टूल्स क्या है? वासा इफ्रेंसिया. तो वासा इफ्रेंसिया कहां एंटर कर गए? एपिडिडाइमस में. देन एपिडिडाइमस के 3 पार्ट होते हैं. हेड पार्ट को हम क्या कहते हैं? कैप्यूट एपिडिडाइमस. एंड देन मिडल पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? कॉर्पस एपिडिडाइमस. एंड जो लास्ट वाला टेल वाला पोर्शन है, उसको क्या कहते हैं? कॉडा एपिडिडाइमस. एपिडिडाइमस के लिए सिर्फ ई लिखा हुआ है. अब नेक्स्ट जो है सेमिनिफेरस का इंटरनल स्ट्रक्चर या इसका टीएस देखते हैं. सो दिस इज द टीएस ऑफ मेमेलियन टेस्टिस शोइंग सेमिनिफेरस टिब्यूल्स. ये जो स्ट्रक्चर है ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है, और सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच में ये कनेक्टिव टिश्यू. एंड ग्रुप ऑफ सेल्स जो है आउटसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल प्रेजेंट है. ये ग्रुप ऑफ सेल, ये आप देख रहे हो पिंक कलर का ग्रुप ऑफ सेल, इनको हम कह रहे हैं लेडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल. ये फॉर्म कर रहे हैं एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ टेस्टिस. लेडिंग सेल जो है ये सिक्रीट करेंगे टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन. टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन सिक्रीट करेंगे. जो प्रिंसिपल एंड्रोजन है वो कौन है? फॉर एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन. तो लेडिंग सेल ने क्या सिक्रीट किया? टेस्टोस्टेरोन. एंड अब देखते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल का स्ट्रक्चर.
ये सेमनी फेरेस्टिब्यूल है, हमने एक ही एनलार्ज किया हुआ है. सेमनी फेरेस्टिब्यूल, ईच सेमनी फेरेस्टिब्यूल इज लाइंड बाई जर्मिनल एपिथीलियम. ये जर्मिनल एपिथीलियम की लेयर है, सिंगल लेयर जो है ये आप देख रहे हो किसकी, जर्मिनल एपिथीलियम की है. ये पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड देन जर्मिनल एपिथीलियम. जर्मिनल एपिथीलियम में दो तरह के सेल होते हैं. मेजोरिटी ऑफ दी सेल्स आर क्यूबॉइडल एंड दे आर कॉल्ड मेल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया. ये जितने भी आप ये पोर्शन जो व्हाइट वाला पोर्शन देख रहे हो ये कैसे हैं, मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया इनको हम कह रहे हैं. एंड देन बीच में आप देख रहे हो ये टॉल सेल. एट सर्टन प्लेसेस क्या होगा, जर्मिनल एपिथीलियम के टॉल सेल होंगे और इन टॉल सेल को हम कह रहे हैं सर्टोली सेल. क्लियर, एक चीज क्लियर हो गई कि क्या हुआ, जर्मिनल एपिथीलियम में दो तरह के सेल हैं, एक तो मेल जर्म सेल आ गए और दूसरे आ गए सर्टोली सेल. अब मेल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया जो है, स्पर्मेटोगोनिया क्या फॉर्म करेंगे, स्पर्मेटोगोनिया विल गिव राइज टू स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड इनटू द ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. क्लियर. एंड देन सर्टोली सेल का फंक्शन देखते हैं. सर्टोली सेल दे विल प्रोवाइड सपोर्ट एंड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया. डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको नर्स सेल भी कहते हैं. सर्टोली सेल और सस टेंटिकुलर सेल और नर्स सेल सारे इसी के नाम है. और फंक्शन क्या परफॉर्म करता है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल जो है अदर फंक्शन में ये सिक्रीट करेगा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करता है जिसका क्या फंक्शन है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इट कंसंट्रेट द टेस्टोस्टेरोन इनटू द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. अब स्पर्म फॉर्मेशन कहां, इसके अंदर होनी है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, तो हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन ये कहां पे मेंटेन करेगा, विद इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. तो उसके लिए ये क्या सिक्रीट करता है सर्टोली सेल, इट विल सिक्रीट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगी, इट विल कंसंट्रेट द टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन किसने सिक्रीट किया, लीडिंग सेल ने, तो इट विल कंसंट्रेट द टेस्टोस्टेरोन इनटू द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, मैं जस्ट बताने के लिए आपको यहाँ पे कि स्पर्म फॉर्मेशन इसके अंदर हो रही है, लास्ट में ये दिखाए हुए हैं स्पर्म फॉर्मेशन. क्लियर, तो क्या किया सर्टोली सेल ने, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करता है एक तो ये, ठीक है, जिसका फंक्शन अभी हमने कर लिया. सेकंड है, सेकंड प्रोटीन इनहिबिन प्रोटीन सिक्रीट करेगा. इनहिबिन प्रोटीन प्रोटीन इसका क्या फंक्शन है, ये सुप्रेस करेगा किसकी एक्टिविटी को, FSH की एक्टिविटी को सुप्रेस करेगा. इट सुप्रेस द एक्टिविटी ऑफ, सुप्रेस द एक्टिविटी ऑफ किसकी, FSH. FSH की सिंथेसिस को ये सुप्रेस करेगा या इसकी सिक्रीशन को सुप्रेस करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की. क्लियर.